नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष को लेकर के लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैला दी गई। यह भ्रांतियां किसी और ने नहीं फैलाई हैं, यह भ्रांतियां हमारे अपने लोगों ने ही फैलाई हैं। पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसको सुनकर के ही व्यक्ति परेशान हो जाता है, डर जाता है। पितृदोष कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आजकल पितृदोष को लेकर के इतनी भ्रांतियां हैं कि उसको समझना भी मुश्किल है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका अनुभव हमने स्वयं किया है। हम जब YouTube को देखते हैं, YouTube चैनल देखते हैं, तो उसमें देखते हैं जहां देखो पितृदोष की चर्चाएं हो रही हैं, और जो मुख्य पितृदोष बनने का कारण है उसको कोई नहीं बताता है। केवल पितृदोष को लेकर के व्यक्ति को डराया जा रहा है, मन में डर बैठाया जा रहा है। पितृदोष को लेकर के बहुत से पूजा पाठ किए जा रहे हैं कि आप यह पूजा कराइए, यह पाठ कराइए तो आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। यह कौन कर रहा है? यह हम और आप ही कर रहे हैं। जो ज्योतिष को थोड़ा भी जानता है तो ज्योतिष को धंधा बना करके वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, लोगों को डरा रहे हैं, जो कि पूर्णता से गलत है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ हम नहीं कराते हैं, हम भी कराते हैं, हम भी पूजा पाठ करने जाते हैं और लोगों से अनुष्ठान करवाते हैं। हमारा भी विश्वास ज्योतिष में बहुत है। हम लगभग 15 साल से ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम ज्योतिष के नाम से किसी को डराते नहीं। जो कुंडली में दोष या योग होते हैं उसके बारे में किसी के मन में डर नहीं बैठाते। तो हम बात कर रहे हैं केवल पितृदोष के बारे में। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि पितृदोष कुंडली में बनता कब है। हम आपको एक घटना बता दें, कुछ दिन पहले की बात है। हम टीवी देख रहे थे तो टीवी में लगभग एक ज्योतिषी आते हैं तेज तक चैनल पर, उनका हमें नाम नहीं आ रहा है यार। तो जो स्क्रीन पर नंबर चलता है उस नंबर पर हमने कॉल्स किया तो उनसे हमारी डायरेक्ट बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो उनके कॉल्स उठाने के लिए कुछ लोग लगे रहते हैं उनसे बात हुई। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हमने उनसे कहा कि हमें अपनी कुंडली दिखवानी है। तो उन्होंने कहा आपका 5100 रुपये शुल्क लगेगा कुंडली दिखवाने के लिए, और आपकी कुंडली पूर्ण फलित करके आपके घर भेज दी जाएगी, यानी किताब बना करके आपके घर भेज दी जाएगी। तो फिर हमने उनसे कहा कि अगर हम आपसे केवल एक ही प्रश्न करें तो आप उसका क्या शुल्क लेंगे। तो उन्होंने कहा एक प्रश्न करने का शुल्क है 1100 रुपया। हमने कहा जो मुख्य महाराज जी हैं, जो आपके ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, उनसे बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ, आप 1100 रुपये शुल्क जमा करिए और इसके बाद हम अपने जो महाराज जी हैं, जो गुरु जी हैं, उनसे बात करा देंगे। तो अब हमें तो कुछ जानना था कि जो पितृदोष के बारे में सही बता रहे हैं या फिर गलत बता रहे हैं। तो हमने 1100 रुपये का उनको शुल्क जमा किया। तो जब हमने 1100 रुपये का उनको शुल्क भेजा, इसके बाद जो गुरुजी हैं
जो तेतक चैनल पर आते हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमसे बताया कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है। हमने कहा पितृ दोष कैसे है, तो कहने लगे कि 11वें भाव में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, इसलिए आपकी कुंडली में पितृ दोष है और आप पितृ दोष शांति के लिए 11,000 रुपये हमारी संस्था में जमा करिए और आपका पितृ दोष शांत हो जाएगा। तो फिर हमने उनसे कहा कि महाराज जी आप इस तरह की भ्रांति क्यों फैला रहे हैं, हम भी ज्योतिष का कार्य करते हैं, हम भी ज्योतिष के बारे में छोटी सी जानकारी रखते हैं, हम भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो आप पितृ दोष के बारे में बता रहे हैं यह पूर्णता से गलत है। जब उन्होंने सुना कि यह भी ज्योतिष के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, इसके बाद उन्होंने फ़ोन हमारा काट दिया। इसके बाद हम खूब बहुत उनसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद हमारा नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो इस तरह से पितृ दोष को लेकर के भ्रांतियाँ हैं, हम नहीं फैला रहे हैं भ्रांति, जो हमारे बड़े बड़े ज्योतिष मनीषी हैं वह ज्योतिष के बारे में पितृ दोष के बारे में भ्रांति फैला रहे हैं, वह लोगों को डरा रहे हैं कि पितृ दोष है आपका, ऐसा हो जाएगा आपका, वैसा हो जाएगा, यह घटना घट जाएगी। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंतित ना हों। जो पितृ दोष के बारे में डरा रहे हैं उनसे भी हम कह रहे हैं कि आप पितृ दोष के ऐसे प्रमाण दीजिए जिससे लोगों को लगे, हमें भी लगे कि हाँ पितृ दोष के कारण इस व्यक्ति को यह घटना घटी है। सबसे पहले तो आप जानते ही नहीं कि पितृ दोष बनता कैसे है। हमने पितृ दोष को लेकर के अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, अनेक पुस्तकें खरीदी हैं, लेकिन हमें किसी पुस्तक में पितृ दोष का पूर्णता से प्रमाण नहीं मिला। कई लोग काल सर्प दोष को लेकर के भ्रांति फैलाते हैं, तो काल सर्प दोष के लिए भी हमें पूर्णता से प्रमाण नहीं मिला। हमने ऐसी कई कुंडलियाँ देखी हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, यानी काल सर्प योग है, वह बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर, उन्हें किसी प्रकार की परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी पितृ काल सर्प योग को लेकर के अफवाह बनाई जाती है, लोगों को डराया जाता है। इसी प्रकार पितृ दोष को लेकर के लोगों को डराया जाता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा। तो मित्रों अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें पितृ दोष केवल 3 जगह पर ही बनता है और पितृ दोष भंग भी होता है, यह भी आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो पितृ दोष तभी बनेगा जब आपके जन्म होने से पहले आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई होगी। तब पुनः सुन लें, आपके कुंडली में पितृ दोष तभी बनेगा जब आपका जन्म होने से पहले आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई होगी। तब अगर आपका जन्म हो गया है तो इसके बाद किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई होगी तो आपकी कुंडली में पितृ दोष बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। और इसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप निश्चित कह सकते हैं कि पंडित जी आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें डरा रहे हैं, हमारी कुंडली में पितृ दोष हो ही नहीं सकता। तो पितृ दोष कैसे बनता है, पितृ दोष केवल 3 भाव में बनता है। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, अगर 12 भावों में पितृ दोष बनेगा तो हमारी पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सभी मनुष्य की कुंडली में पितृ दोष बन जाएगा, लगभग 90% लोगों की कुंडली में पितृ दोष बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, केवल 3 भाव है ऐसे हैं जिसको लेकर के पितृ दोष के बारे में कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, लेकिन जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें पितृ दोष को लेकर के कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन जो अभी कुछ वर्षों से जिन ऋषि विद्वानों ने पुस्तक लिखी हैं उसमें पितृ दोष के बारे में बताया है, और हमारे पास दो चार ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें पितृ दोष के बारे में बताया है, लेकिन उन पुस्तकों के बारे में हमें पूर्णता से, इसलिए हम उनकी प्रमाणिकता नहीं दे रहे हैं
कि उसमें कई ऐसे योग्य दोष हैं जो हमें पसंद नहीं आए। लेकिन हमें एक जगह ऐसा पढ़ने को मिला जो हमें पूर्णता से अच्छा लगा और वही हम आपको बता रहे हैं। पितृदोष सूर्य राहु शनि तीन ग्रह के कारण बनता है। अब प्रथम भाव में सूर्य शनि साथ बैठे हों या फिर सूर्य राहु साथ बैठे हों तो पितृदोष बन जाएगा। इसके अलावा पंचम भाव में सूर्य शनि बैठे हों या फिर सूर्य राहु बैठे हों तब भी पितृदोष बन जाएगा। इसके अलावा नवम भाव में सूर्य शनि या फिर सूर्य राहु बैठे हों तो पितृदोष बन जाएगा। पितृदोष भंग भी होता है, यह भी आप ध्यान रखें। मान लीजिए प्रथम भाव में सूर्य शनि साथ बैठे हैं और सूर्य शनि पर शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है तो आपका पितृदोष भंग हो गया है, आपको पितृदोष से अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे, साधारण प्रभाव मिलेंगे। इसी प्रकार पंचम भाव में सूर्य शनि या सूर्य राहु बैठे हों और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी पितृदोष समाप्त हो जाएगा, पितृदोष के आपको अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे, यह ध्यान रखें। इसके अलावा नवम भाव में सूर्य शनि या फिर सूर्य राहु बैठे हों और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी आपको पितृदोष के अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे, पितृदोष के साधारण प्रभाव मिलेंगे। और आप यह भी ध्यान रखें जब पितृदोष बन रहा है तो ग्रह अपनी राशि अपने उच्च की राशि पर बैठे हों तो यह पितृदोष आपके लिए हानिकारक नहीं हो सकता है, यह भी आप ध्यान रखें। मान के चलिए प्रथम भाव में तुला राशि है और शनि बैठे हैं और सूर्य और शनि साथ बैठे हैं तो यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं, सूर्य नीच के होते हैं तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा, पितृदोष भी बनेगा। लेकिन आपको यहाँ पितृदोष के प्रभाव नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ हद तक नीच के जो सूर्य बैठे हैं लग्न में उसके अशुभ प्रभाव आपको कुछ हद तक देखने को मिलेंगे, लेकिन पितृदोष आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार पंचम भाव में और नवम भाव में देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक पितृदोष होता है वह केवल नवम भाव में ही होता है, इसके अलावा किसी भी भाव में सबसे ज़्यादा खतरनाक पितृदोष नहीं होता है, क्योंकि नवम भाव पिता का भाव माना जाता है। इसलिए नवम भाव में सूर्य और शनि या फिर सूर्य राहु बैठे हों पितृदोष के आपको ज़्यादा अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर इन्हीं के साथ गुरु बैठे या गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो तो यह दोष कुछ कम प्रभावकारी हो जाता है। तो नवम भाव में ही आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा अनिष्टकारक पितृदोष होता है। और जो बाकी अन्य भाव हैं इन भावों में सूर्य शनि बैठ जाएँ, सूर्य राहु बैठ जाएँ तो पितृदोष आपको नहीं लगेगा, यह ध्यान रखें। और कई ज्योतिषियों का मत यह भी है कि केतु के साथ सूर्य बैठे तब भी पितृदोष बनता है या फिर केतु राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़े तब पितृदोष लगता है, तो ऐसा पितृदोष ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। पितृदोष हानिकारक तभी होता है जब प्रथम भाव पंचम भाव नवम भाव में बैठे हों तब, और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह पितृदोष आपको हानिकारक नहीं होता। अब पितृदोष से आपको हानि क्या हो सकती है, तो पितृदोष से आपको हानि यह हो सकती है कि मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में आपको अचानक घाटा लग जाना, व्यापार में मंदी आ जाना या फिर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होना, बेवजह झगड़ा होना या आपके पुत्र आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी शादी हो गई है और आपकी शादी के बाद आपके संतान होने में विलम्ब हो रहा है या फिर आपके यहाँ किसी प्रकार का डर का माहौल बन रहा हो, आपके साथ बार बार दुर्घटनाएं घट रही हैं,
यह पितृदोष के कारण होते हैं। लेकिन पितृदोष से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं अपने कुंडली में। पितृदोष आप तभी मानना जब प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव में राहु केतु, राहु शनि, राहु सूर्य की युति हो रही हो। तब सूर्य राहु शनि सूर्य इस प्रकार से प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव में युति हो रही हो तभी आप पितृदोष मानना। पितृदोष से आप डरें नहीं। पितृदोष के उपाय होते हैं, तो जो पितृदोष के उपाय हैं वह हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कोई भी व्यक्ति पितृदोष के बारे में डराता है तो आप सबसे पहले पूछें पितृदोष किस किस भाव में बनता है, कैसे बनता है, पितृदोष भंग कैसे होता है, आप उससे इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आडंबर है पितृदोष के बारे में वह है जो नए सिखीय ज्योतिषी हैं वह फैला रहे हैं। तो जो नए सिखीय ज्योतिषी हैं उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। आप ज्योतिष संबंधित उनसे प्रश्न पूछिए, इससे उनको लगे कि आप भी कुछ ज्योतिष जानते हैं, आपको भी ज्योतिष का कुछ ज्ञान है। और जो ज्योतिष का सम्मेलन कर रहे हैं और पैसा लेकर के ज्योतिष का सम्मेलन कर रहे हैं तो इनसे भी आप बिल्कुल बचिए। बार बार कहते हैं कि जो पैसा लेकर के ज्योतिष का सम्मेलन कर रहे हैं उनसे आप दूर रहिए, इनके चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसिए। यह केवल ज्योतिष का धंधा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो अगर आपके मन में पितृदोष को लेकर के डर है वह डर आप बिल्कुल निकाल दीजिए। पितृदोष को लेकर के आप किसी प्रकार की भ्रांतियाँ मत पालिए। पितृदोष हर व्यक्ति की कुंडली में नहीं होता है। पितृदोष 100 कुंडलियों में से 10-12 कुंडलियों में ही पितृदोष देखने को मिलता है। और जो खतरनाक पितृदोष होता है वह केवल नवम भाव में सूर्य शनि सूर्य राहु की युति से ही होता है। जब सूर्य अशुभ प्रभाव में आता है तब पितृदोष होता है। और जो अगर आपसे कहे कि आपको पितृदोष है तो पितृदोष के कारण यही तीन होते हैं। और अन्य भाव में सूर्य शनि की युति हो या सूर्य राहु की युति हो तो और दोष हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष नहीं हो सकता है। इतना आप हमेशा ध्यान रखें। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर संपर्क करके अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आप हमारी संस्था के द्वारा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय का जप करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पितृदोष के बारे में जानकारी चाहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्र मिलते हैं अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।